में उपस्थित हुए मैं आप सभी को आपकी सेवाओं के लिए आप जिस प्रकार से देश की सेवा करते हैं अलग अलग अपने कारोबार में अपने काम में मुंबई के लोगों के लिए आप तट पर रहते हैं उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं उसके लिए मैं आप सभी का साधुवाद करता हूँ आप सबको बधाई देता हूँ। उत्तर मुंबई में बड़ी संख्या में पटरी वाले हैं जो अलग अलग फेरी वाले हैं जो अलग अलग काम से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स बड़ी संख्या में हैं और फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने वाले छोटे बड़े उद्योग में काम करने वाले साथी बंधुओं को बंधुओं को मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप सब पूरी लगन के साथ जो भी काम आपको दिया जाता है उसको पूरा करते हैं। 20 मई को भारत का आम चुनाव है लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव में इस निबंधों में भारत का भविष्य भारत का भाग्य तय होना निश्चित है और 20 मई को हम सब ने अपना अधिकार और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी है यह आग्रह करने मैं आपके बीच में आया हूँ। वोट देना हमारा अधिकार अवश्य है हमारे पास ताकत है कि वोट के माध्यम से हम जिसे चाहे उसको चुनकर प्रधानमंत्री बना सकते जिस पार्टी को चाहे उनके प्रतिनिधि को चुन सकते जो प्रतिनिधि हमारे लिए सेवा करें उसके पक्ष में हम वोट डाल सकते। लेकिन देखा गया है कि अभी भी 60% 55% 65% इतने ही वोटें डाली जाती है। गोपाल शेट्टी जी हमारे सांसद लोकप्रिय सांसद के चुनाव में भी 60% ही वोट डाले। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना अपने परिवार का अपने पड़ोसी अपने मित्र अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को प्रोत्साहित करें। सुबह सुबह ज़्यादा गर्मी हो उसके पहले सोमवार 20 तारीख को हम सब वोट डालने जाएं और देश में एक ऐसी मजबूत सरकार एक ऐसा ईमानदार नेता एक ऐसा देशभक्त देश प्रेमी जिनके कण कण में क्षण क्षण में लोकहित और देशहित भरा हुआ हो एक ऐसा नेता जिसका सपना है भारत को विकसित भारत बनाने का एक ऐसा नेता जिसने 50 वर्ष देश की सेवा में अपनी समर्पित कर दी एक ऐसा नेता जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जिनके 2 दशकों में किए गए काम पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्ष तक और अब 10 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है जिस प्रकार से उन्होंने गरीबों का कल्याण किया है 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला जिस प्रकार से उन्होंने नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाया जिस प्रकार से उन्होंने हमारे अन्नदाता हमारे किसानों को और मजबूती दी उनको ताकत दी और हमारे युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर उपलब्ध कराए रोजगार के स्वयं रोजगार के सरकारी नौकरी हो निजी क्षेत्र में नौकरी हो स्वयं का काम करना हो उद्योग लगाना हो कारोबार करना हो व्यापार करना हो हर एक की चिंता बिना भेदभाव लाखों करोड़ रुपए सीधा गरीबों के खाते में जाना 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलना हर माह महीने मिलना 55 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज
की सेवा मिलना, चिकित्सा की सेवा मिलना, 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त में पक्का घर ले पाना, नल से जल पहुंचाने का काम तेज गति से करना, हर घर को LPG गैस सिलेंडर पहुंचे जिससे चूल्हे से मुक्ति हो, और आगे चल के शहरों में विशेषकर मुंबई जैसे शहर में सभी के घरों तक सिलेंडर को बदलकर पाइपलाइन से गैस पहुंचाना, ऐसा मूल छूट परिवर्तन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद ले रहे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि अभिजीत राणे जी के नेतृत्व में पूरा जो सड़क कामगार यूनियन है और यूनियन के हजारों सदस्य और उनके परिवार मित्र पड़ोसी और दोस्त सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी को इतने आशीर्वाद देते हैं, और मुझे उत्तर मुंबई में आपके आशीर्वाद का लाभ मिले जिससे मैं मोदी जी को और सशक्त बना सकूँ, उनके साथ काम कर सकूँ। आपका दिया हुआ हर वोट सीधा मोदी जी के खाते में जाएगा और देश को एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बनाने का काम करेगा। इसी अपेक्षा और अनुरोध के साथ मैं आपके बीच आया हूँ। आप सब पे बड़े लक्ष्य, बड़ी सपने और ऊंची छलांग लगाने के लिए मेहनत करते हैं। जैसे देश विकास करेगा वैसे आप सब विकास करेंगे, जैसे देश समृद्ध होगा वैसे आप सबके जीवन में समृद्धि आएगी, आपके बच्चों के लिए उज्ज्वल भविष्य बनेगा, यही आशा और संदेश लेकर मैं आपके बीच आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर अभिजीत राणे द्वारा आयोजित गृह कामगार मोर्चा के माध्यम से जो हमारे रिक्शा चलाने वाले भाई है, हमारे घरेलू कामगार है, ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर एक 5 घंटे का वार्तालाप हुआ, और इस वार्तालाप में मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला। मैंने आप सबकी जो समस्या है वो समझ ली। ऐसे मैं सारे समस्याओं पर बहुत दिनों से काम करता हूँ। हमारे इस बार के उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर आए, उनको भी सारी बातें हम लोगों ने बता दी, और मैं मानता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में जो छोटे लोग हैं, जो कष्टकारी हैं, जो कामगार हैं, उनके समस्याओं पर और अच्छी तरह से काम हो, इस प्रकार का एक प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। और मैं मानता हूँ कि सारे कामगारों का जो प्रश्न है वो आने वाले दिनों में हल हो, इसलिए पीयूष गोयल जी के साथ में मैं और अभिजीत राणे और उनकी जो पूरी टीम है हम सारे लोग मिलकर काम करेंगे। अब ऐसा है कि आचार संहिता का समय समाप्त हो गया है, इसलिए हम चुनाव के बारे में और वोट के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे, बाद में हम वो बातचीत करेंगे। हम पूरे महाराष्ट्र में और देश में लगभग 7 लाख से अधिक कामगारों का नेतृत्व करने वाली सड़क कामगार यूनियन, और इस यूनियन के मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सभी साथी आज यहाँ पर एक भव्य कामगार मेलावा का आयोजन किया था, एक भव्य विश्व कामगार मेलाव्याचं आयोजन केलेलं, आणि या ठिकाणी कायमच सकारात्मक दृष्टिकोनाने आपल्या कामगारांच्या हितासाठी, कामगारों के हित में लढने वाली एक आक्रमक कामगार यूनियन है, और हमेशा ही माननीय नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री और अभी के विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से हमेशा ही हमारी यूनियन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरे देश भर में 7 लाख से अधिक कामगारों का नेतृत्व कर रही है। ये प्रभाग, ये विभाग और इस विभाग के लगभग 4,000 से अधिक लोगों का यहाँ पर आज कामगार मेलावा का आयोजन किया था, और इस कामगार मेलावा में हमारे सभी यूनिट के लोग यहाँ पर आए थे, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया, यहाँ के लोकप्रिय
हमारे इस देश के मंत्री सम्माननीय पीयूष गोयल जी थे, हमारे अर्थ फाइनेंस राज्य मंत्री फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर भागवत कराड़ जी यहाँ पर आए थे, यहाँ के विद्यमान एमएलए सम्माननीय योगेश सागर जी थे, मेरे एक्स हमारे विद्यमान खासदार गोपाल शेट्टी जी थे, विनोद शेलार जी थे, कमलेश यादव जी थे और मुंबई के सभी बड़े गणमाननीय व्यक्ति। बट मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेरी ताकत, मेरे वर्कर्स, मेरे पदाधिकारी, मेरे साथी, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे उप वाइस प्रेसिडेंट नारायण पनीकर जी, हमारी काकुली जी, हमारी सायरा सत्तानी जी, मेरे साथ जुड़े हुए कुणाल यादव जी, आरिफ मलिक जी, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारा मोहसिन, हमारे सभी लोग। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता मगर जितने लोग यहाँ पर है, मैं एक व्यक्ति हूँ मगर मेरे साथ पूरी इंस्टीट्यूशन है, मैं आवाज़ हूँ मगर ये सब मेरी ताकत है और ये ताकत माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे खंबीर तौर पर है। मैं पूरे ताकत से मैं नरेंद्र मोदी जी को पूरे सड़क कामगार यूनियन महासंघ की तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से उनको पूरे ताकत से हम पूरे तरीके का समर्थन देते हैं। और निश्चित तौर पर हमारे देश के सभी वर्कर्स को मैं अपील करूंगा पूरे ताकत से नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सड़क कामगार यूनियन महासंघ का मंच है। इस पर मैं कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा। हमारे कामगारों के हित में जो लड़ाई लड़ेगा उसके साथ में हमारे कामगार पूरी तरीके से उनके पीछे खड़े रहेंगे।